Hello everyone, welcome to online class of Modi Public School. Today we are going to discuss chapter number 5, The Way the World Looks of your NCERT book. So, as the name suggests, this chapter is about the way we look at the objects. What does this mean? Imagine, if some of the students are standing in front of me, then they are observing the front part of me. अगर कोई आप मेरे सामने खड़े हैं या कोई students मेरे सामने खड़े हैं तो उन्हें मेरा body का कौन सा part नजर आ रहा है? Front part. If some of the students are standing behind me, तो वो मेरा कौन सा part देख रहे हैं? Back part देख पा रहे होंगे. Okay? And if some of the students are standing on the top, कोई बच्चा top पे खड़ा है ना, terrace पे खड़ा है तो हमको ऊपर से देख रहा है तो उसको क्या नजर आ रहा है? Body का मेरा head नजर आ रहा है, ये top part नजर आ रहा है. Okay? So एक ही ऑब्जेक्ट है, लाइक हियर आई एम द वन, बट ऑल द पीपल हु आर लुकिंग एट मी बिकॉज दे आर लुकिंग फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट एंगल एंड फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन दे आर ऑब्जर्विंग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माई, क्योंकि वो अलग अलग जगह से मुझे देख रहे हैं तो वो मेरे हर पार्ट को, अलग पार्ट को ऑब्जर्व कर रहा है. ओके, लाइक इफ यू आर ऑब्जर्विंग दिस डस्टर, अभी आपको दिख रहा है तो अभी मैं आपसे पूछूँ व्हाट पार्ट, तो आप वहाँ पे विच पार्ट यू आर ऑब्जर्विंग, तो यू विल से मैम वी आर ऑब्जर्विंग दिस ग्रीन पार्ट. यस, बट बिकॉज आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर आई एम नॉट ऑब्जर्विंग दैट ग्रीन पार्ट. द पार्ट विच आई एम ऑब्जर्विंग फ्रॉम हियर इज दैट येलो पार्ट, दिस पार्ट. ओके ओके, सो मुझे यहाँ पे इसका जो पार्ट नजर आ रहा है वो ग्रीन पार्ट नजर, येलो पार्ट नजर आ रहा है. बट जो आप पार्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कौन सा पार्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं? कौन सा पार्ट देख पा रहे हैं? ग्रीन पार्ट. अगर कोई यहाँ पे टॉप पे खड़ा हुआ है, इफ समवन इज लुकिंग फ्रॉम द टॉप, देन दैट पर्सन मस्ट बी ऑब्जर्विंग दिस पार्ट. जहाँ पे कुछ ग्रीन पार्ट नजर आ रहा होगा, कुछ येलो पार्ट नजर आ रहा होगा. तो एक ही ऑब्जेक्ट को जब हम अलग अलग डिस्टेंसेस से, अलग अलग एंगल से ऑब्जर्व करते हैं तो वही चीज हमें अलग अलग नजर आती है. ओके, वो हमें उसकी पोजीशन अलग अलग नजर आती है और यही हमारे इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट है जो हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं, कि हर ऑब्जेक्ट को अलग व्यू से देखने पर वो अलग हमें उसकी पोजीशन नजर आती है या वो अलग तरीके से हमें दिखाई देता है. लेट अस डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन इन योर बुक. ओके, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर लिया. लाइक दिस इज पेज नंबर 52 एंड दिस क्वेश्चन इज, कैन यू थिंक व्हाई बर्ड्स कुड सी चीज ऑन द जग बट चींटी कुड नॉट. अब इसमें क्या सिचुएशन दी है? आपको अपनी बुक अपने सामने रखनी है या आपको ओपन दिस पेज 52 इन फ्रंट ऑफ यू? क्या सिचुएशन हमें दी हुई है? रेट है और एक कैट है. ओके, अब कैट क्या है? जग रखा हुआ है, जग में कुछ चीज रखी हुई है. अब जो रेट है, जो माउस है, वो कहाँ बैठा हुआ है? टॉप पे बैठा हुआ है, सिटिंग एट द टॉप. और रेट जो कैट है वो नीचे है, तो कैट जो रेट है उसको तो वहाँ पे ऊपर से टॉप से जग में चीज नजर आ रही है बिकॉज वो टॉप से देख रहा है. वो इतना ही छोटा है? नो, उसकी एक्चुअल जो हमें साइज है वो इतनी छोटी नहीं है.
This is the third question. Look at these pictures and discuss why things look wide and big at this end, but narrow and small at the other. अब आपको क्या करना है? आपकी जो book है, आप वहाँ पे observe करेंगे. I think this is page number 54 of your book. आप book open करिए. वहाँ पे आपको two pictures ये मिलेंगे. One picture is of a railway track and one picture is of candles. वहाँ पे candles arrange है ना? Line wise candles arrange है और एक तरफ हमें railway track का photo दिया है. अब यहाँ पे जब हम railway track को देख रहे हैं उस picture में, तो यहाँ से भी कैसे नजर आ रहा है? Broad है ना? और आगे जब जा रहा है क्या? Narrow होता जा रहा, छोटा होता जा रहा. ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप सोचिए, क्योंकि मैम ने जैसा आपको बताया, जिस भी ऑब्जेक्ट को हम जिस एंगल से, जिस डिस्टेंस से, जिस पोजीशन से देखते हैं, वो ऑब्जेक्ट हमें उसी के अकॉर्डिंग नजर आता है. अब यहाँ पे रेलवे ट्रैक को हम बिल्कुल पास से देख रहे हैं, तो हमें वो वाला पार्ट क्या लग रहा है? बड़ा लग रहा है. बट जो उसका ट्रैक का जो पिछला पार्ट है, जो उसका ला आगे का पार्ट है, वो हमें यहाँ पे छोटा नजर आ रहा है. जस्ट बिकॉज वो क्या है? हमसे दूर जा रहा है. उसकी डिस्टेंस क्या हो रही है? हमसे दूर हो रही है. सिमिलरली जो सेकेंड पिक्चर है, जहाँ पे कैंडल्स अरेंज है, तो कैंडल्स जो अरेंज है, जो पास से हम देख रहे हैं, तो वहाँ पे पार्ट क्या नजर आ रहा है? ब्रॉड नजर आ रहा है. इस तरह से हम देख रहे हैं. और जब वो पार्ट उसका आगे का जा रहा है, जो आगे की कैंडल्स अरेंज है, वहाँ पे वो पार्ट हमें छोटा नजर आ रहा है. वाई? बिकॉज वो पार्ट क्या जा रहा है? हमसे दूर जा रहा है. तो जैसी डिस्टेंस से, जैसी पोजिशन पे, जैसे एंगल से हम चीज को देखते हैं, वो हमें उसी तरह से नजर. And this is the basic concept of this chapter. Now we have two questions for you. To fourth or fifth part है इसी का. Fourth or fifth question है जहाँ पे pictures given हैं, views दिए हुए हैं. Okay? तो वो questions आपके लिए हैं. That is for you to do as a homework. Okay? And if you feel any problem, you may ask. That's all for today's class. Thank you so much, everyone.